आज ईसा अनंत जीवन प्राप्त करने हेतु शास्त्र के माध्यम से हमारे समक्ष दो आज्ञाओं को रखते हैं। पहली आज्ञा है कि मनुष्य ईश्वर को अपने सारे मन, दिल और बुद्धि से प्यार करे, और दूसरी बड़ी आज्ञा है कि मनुष्य अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करे। ये दो आज्ञाएं पूरी मानव जाति का धर्म है। विश्व में जितने भी धर्म है उसका निचोड़, उसका सार भी यही है। विश्व में जो मानव अधिकार की बात करते हैं उसका निचोड़, उसका सार भी यही है। मानव वैज्ञानिक का मानना है कि जब हम अपने आप को बेहद प्यार करते हैं तो दूसरे को भी हम प्यार कर पाएंगे। यदि हम अपने आप को सही ढंग से प्यार नहीं कर पाएंगे तो दूसरे को भी हम सही ढंग से प्यार नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि यह प्रश्न पूछने के पहले कि मेरा पड़ोसी कौन है, हम ये पूछें कि मैं कितनों का अच्छा पड़ोसी हूं, मैं कितनों का सही पड़ोसी हूं, क्या मैं दूसरों का अच्छा पड़ोसी बन सकता हूं, यह प्रश्न पूछना चाहिए। हम जब यह प्रश्न पूछते हैं कि मेरा पड़ोसी कौन है, तब हम दूसरे को मापतौल करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा के आधार पर दूसरा व्यक्ति हमारी मदद करे, हमें चाहे, हमें प्यार करे। और इसलिए जब हम दूसरे के लिए अच्छा पड़ोसी बनते हैं, एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका हम निभाते हैं, तो यह तय है कि कई कई लोग हमारे अच्छे पड़ोसी बन जाते हैं। और इसलिए ये आम कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आज की दुनिया में अच्छा पड़ोसी बनना या भला व्यक्ति बनना लगता है एक अपराध है, यह कठिन होता है। वर्तमान युग में लोग ऐसे लोगों को बेवकूफ समझते हैं। आज समाज में स्टेटस का बहुत बड़ा मुद्दा है। स्टेटस के माध्यम से ही मनुष्य के महत्व को समझा जाता है, उनके बड़प्पन को समझा जाता है और महसूस भी किया जाता है। और इसलिए स्टेटस की वजह से कोई व्यक्ति नीचा काम करना नहीं चाहता, हम दर्दी दिखाना नहीं चाहते, सड़क पर पड़े हो सकता है घायल व्यक्ति को हाथ लगाना नहीं चाहता, मदद करना नहीं चाहता, परेशानी उठाना नहीं चाहता। यानी कि मुझे लगता है कि हम इंसान होने के बावजूद हम इंसानियत से दूर हटते जा रहे हैं। और इसलिए आज की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैं महत्वपूर्ण है, मेरा परिवार महत्वपूर्ण, और सिर्फ स्वयं में हम बिंदास रहना चाहते हैं। और यही बात लेवी की भी रही, शास्त्री की भी रही और फरीसी की भी रही। आज के दृष्टांत में हम लोग वही देखते हैं। मानव जीवन जीने का अर्थ क्या है? ईसा ने हमें सिखाया है जीवन देना, एक दूसरे को जीवन देना। जितना हम स्वयं को दूसरों की भलाई के लिए जीवन देते हैं उतना ही अलौकिक आनंद, अलौकिक संतोष का अनुभव हमें होता है। इससे हमारा जीवन अर्थपूर्ण होगा और हम परिपूर्णता का एहसास कर पाएंगे। और इसलिए अंततः हम ये पूछे पहले कि मैं कितने लोगों का अच्छा पड़ोसी हूं, हम ये ना पूछें कि मेरा पड़ोसी कौन है। आइए इस कृपा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें।